सकते हैं। अम्मा लोग अभी अपना स्थित में जाके नारी शक्ति लुक लड़ेंगे ना, नारी शक्ति से हाँ लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा। अभी यहाँ दिल्ली पर खत्म नहीं हुआ है और बाकी है। ओके, वो सीन को करने फिर जा रहा है अपना अरुणाचल में बैठ के लड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ से जा रहा है, फिर भी हम लोग का जो मकसद है वो हम छोड़ेगा नहीं। जब तक CBI ED नहीं आएगा तब तक अपना स्टेट में बैठ के लड़ेगा। अपना मुख्यमंत्री को जो लड़ना है, अपना MP को जो लड़ना है, अभी अपना स्टेट में बैठ के हम नारी शक्ति लोग लड़ेगा। ये जो AAC टीम को तीनों MP जब तक ये जो हमारा PM मोदी को अपॉइंटमेंट दिला के राम त्रिवल में बातचीत तब तक करने नहीं देगा, तब तक हम लोग अपना स्टेट में बैठ के लड़ेगा, छोड़ेगा ही नहीं है। ठीक है, ये है नारी शक्ति के जनरल सेक्रेटरी सुमिति किप्पा चंपा जी का स्टेटमेंट, आप लोग सुना है। अभी हम लोग ट्रेन से जाएंगे ईटानगर की ओर, लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा ईटानगर में पहुंच के, जब तक अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को CBI और ED रिकमेंडेशन नहीं दिया जाएगा, वो अपना स्टेट में लड़ेंगे, ये लोग का कहना है। ये है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जनरल सेक्रेटरी, ये है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का प्रेसिडेंट, और काफी संगठन लोग है, ये लोग अभी ट्रेन जाने के लिए रेडी कर रहा है, वो काफी लोग है साथी साथी। जो भी लाओ आप लोग अरुणाचल में जाके फिर लड़ेगा तो ना, लड़ेगा तो कामयाब नहीं होगा। मान को जो है हम हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी। आप लोग इतना अपना कीमती वक्त को छोड़ के अपना स्टेट से लेके हम लोग का यहाँ में AAC को सपोर्ट करने के लिए, हमारा बेटी बेटा को अपने स्टेट को करप्शन के लिए आप लोग फाइट करने के लिए आया है। तो हम जो है हमारा AAC टीम और मेरा बेटी बेटा कुछ भी नहीं दे पाएगा, और मैं नारी शक्ति का लीडर होने से भी मैं कुछ भी नहीं दे पाने से भी ऊपर वाला जो है आप लोग का करने वाला को देख रहा है। जरूर आप लोग का जो हम लोग का जो एम है हमारा, एक ना एक दिन हम लोग सक्सेस होगा, सफलता होगा। और हम आज मेरा माँ लोग जो है जा रहा है तो हम सहयोग करने के लिए आया है, तो बहुत जल्दी हम भी कल या परसों का अंदर में हम भी अरुणाचल में पहुँच जाएगा। और हम लोग का जो मुहिम है तो हम लोग का अपना स्टेट लेवल तक हम लोग करने के लिए, हम लोग जो है यहाँ में हम लोग रह के भी हम लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं ना। हम लोग ये को हमारा 3 MP को भी हम लोग मिलने के लिए आया, मेमोरेंडम भी सबमिट किया, लेकिन 3 MP जो है हमें मिलने के लिए भी टाइम नहीं दिया है, मौका नहीं दिया है, वो जो है बहुत बिजी है बोला है। तो हम अपना स्टेट में आके हम लोग जो है हमारा जो लड़ाई है हम लोग जो है बरकरार रहते रहेगा। जब तक हमारा स्टेट में CBI और ED जो है प्रॉपर इंक्वायरी के लिए नहीं आएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। इस बारे में आपको मैं सीधा से बोलूँ, वो तो हम लोग चुप रहने वाला नहीं है, और आगे क्या करेगा वो भी बताने वाला नहीं है। आप देखा है हम लोग 52 को किस ढंग से हम लोग हिलाया है, हमारा दिल्ली पुलिस को माफी मांगने तक हम लोग मजबूर किया है, आप ये जानते हैं। और ये तो चुती से बात है हमारा लिए, नारी शक्ति का तरफ से और नचर बचाओ आंदोलन का तरफ से और पड़ो डैम का तरफ से और हमारा कैपिटल यूथ का तरफ से, वो हमारा सपोर्ट करने आया है हम लोग को। तो उसका तरफ से मैं अरुणाचल का जनता को ये बताऊं, उस दिन जो हम लोग को टेंट को तोड़ा गया और हम लोग चाय पीने के लिए गया, हम लोग को घुसने नहीं दिया, कोई गुस्सा को देखा के हम लोग जो हम लोग का अपना बदला हम लोग लिया है, दिल्ली पुलिस माफी मांगा, सबसे उससे बराबर कुछ नहीं होगा। और जनता को यही मैं संदेश देना चाहती हूँ, हम लोग यहाँ तक चुप नहीं रहेंगे। इसी टीम को जब तक वापस नहीं लाएगा, CBI ED को जब तक रिकमेंडेशन नहीं करेगा, तब तक PM मोदी को जब तक इसी टीम नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेगा। और आगे में क्या होगा ये चीज हमको हम नहीं बताएंगे, और समय आने पर हम लोग सपना का तरह ये कैसे बोलता है भूमि कुंपू बोलते है ना, हाँ भूमि कुंपू अर्थक्वेक जैसे हिलता है ऐसे अरुणाचल को हिलाएगा हम, नारी शक्ति का पागल बोलता है ना, पागलपन होने से भी लेकिन समाज के लिए पागलपन बचाने के लिए ना जी। ओके, और हम लोग को तो सब बोलता है तुम लोग नारी नहीं है, नारा है बोलता है ना, वो हम लोग नारा का मतलब बहुत दिल्ली पुलिस को लड़ने में ना मार भी खाया, समाज के लिए खाया, और आप अरुणाचल में जाके लड़ेंगे। ओके, ये लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लड़ने में बिजी होगा,
अरुणाचल में जाके लड़ने में बिजी होगा। ये देखिए बहुत हिट वाला औरत है, ये सिर्फ दम दिखाता है, बात नहीं करते।